आपको आज हम जिस ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं वो ऐप आपके बहुत काम आ सकता है। हमारे फ़ोन अक्सर चोरी हो जाता है या हम कहीं जाते हैं और भूल से हमारा फ़ोन कहीं छूट जाता है और फिर हम परेशान होते रहते हैं पर हमारा फ़ोन हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस ऐप को अपने फ़ोन में रखेंगे तो 90% तक उम्मीद है कि आपका फ़ोन आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि इस ऐप की हम बात कर रहे हैं, ये वो ऐप ये काम करता है कि अगर आपके फ़ोन का लॉक कोई ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है तो ये ऐप उस आदमी का फ़ोटो और लोकेशन आपके ईमेल पर उसी वक्त भेज देता है और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपका फ़ोन किसके पास है और किस जगह पर है। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऐप है जो आपको अपने फ़ोन में ज़रूर रखना चाहिए। हम आपको इस ऐप की एक खास बात बता देते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये ऐप जो हमें किसी भी लोकेशन देता है, यानी अगर कोई बार बार गलत पासवर्ड या पैटर्न डालेगा तो ये ऐप हमें उस आदमी की लोकेशन बताएगा कि वो कहाँ पर है। इस ऐप के लिए जरूरी है कि आपके फ़ोन पर आपका GPS सिस्टम हमेशा चालू रहे, जो कि एक अहम बात है। इस ऐप में ध्यान रखने वाली वो यही है, अगर GPS चालू रहेगा तो बहुत उम्मीद है कि आपका चोरी हुआ या खोया हुआ मोबाइल मिल जाए। जब कोई पासवर्ड या पैटर्न गलत डालता है तो ये ऐप चुपचाप से उस आदमी का फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है जिसने आपका फ़ोन लिया है। उसकी फ़ोटो और लोकेशन एक साथ ही हमें मेल पर उसी वक्त आ जाता है, जिससे हमें चोर का पता चल जाता है या किसके पास वो मोबाइल हमें पता चल जाता है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करना है क्रू कैचर एंटी टेप, उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं भी यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको नीचे एक हरे रंग का बटन दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ पर दबाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिवेट नाउ पर दबाना है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल खुलेगा तो उसको एक्टिवेट करना है। नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन है, मैं वहाँ पर दबा लेता हूँ और इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। और नीचे आप फिर देख सकते हैं एक्टिवेट हो गया है और नीचे नेक्स्ट का बटन है, आप उसको दबा लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन सेटअप लॉक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पिन सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है या पैटर्न सेट करना है, अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पिन सेट कर लेता हूँ, यहाँ 9999 रख लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू, फिर वही रिपीट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा स्क्रीन लॉक का मैं पिन सेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पर अटेम्प्ट लिमिट सेट करना है। अगर कोई बंदा आपका पैटर्न कितनी बार अनलॉक करता है और वो फेल होता है तो कितनी बार फेल होने पर आपको वो मोबाइल आप उस व्यक्ति का तस्वीर और GPS लोकेशन मेल करें तो वो आप उसी लिमिट को यहाँ पर सेट करना है। मैं यहाँ पर एक सेट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, वहाँ पर दबा लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट नाउ ईमेल सेट करना होता है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऑथेंटिकेट। और उसके बाद ये कंटेक्टिंग गूगल कर रहा है और आपके यहाँ ईमेल आईडी आ जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं है तो दूसरा ईमेल आईडी आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी सेटअप हो गया और नेक्स्ट दबा लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्राई इट नाउ, मैं से ट्राई इट नाउ पर यहाँ पर आपको पिन मांग रहा है, मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। पहली बार मैं यहाँ पर रॉन्ग पिन डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर करेक्ट पिन डाल देता हूँ और मैं मेल चेक कर लेता हूँ। मेल को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ।
आप ऊपर देख सकते हैं एक मेल आया हुआ है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समवन ट्राई टू अनलॉक योर फोन, और यहाँ पर नीचे दिखा रहा है क्रूक कैचर टुक द पिक्चर, मतलब इसका मतलब इस एप्लीकेशन ने कुछ तस्वीरें ली है। यहाँ पर आपको काला नज़र आ रहा है क्योंकि मैं अंधेरे रूम में होने की वजह से आपको तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। और नीचे आपको एस्टिमेटेड एड्रेस यानी कि गूगल मैप से आप यहाँ पता लगा सकते हैं वो कौन सी जगह पर है, और यहाँ पर लोकेशन का पूरा डिटेल लिखा हुआ है और लॉन्ग लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है जिसकी मदद। और नीचे आपको ओपन इन गूगल मैप्स का ऑप्शन भी, नीचे आपको गूगल मैप का ऑप्शन भी दिख रहा है जिससे कि आप सीधे गूगल मैप पर ओपन करके उस लोकेशन को सीधा देख सकते हैं कि वो लोकेशन कहाँ पर है। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अगर आप अपने मोबाइल को बचा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल कोई चोरी हो जाए या कोई बंदा आपके बिना परमिशन के इसे ओपन करता है तो ये मोबाइल उस व्यक्ति की तस्वीर लेके और आपको उस मोबाइल की लोकेशन आपको मेल कर देगा, और जिससे कि चोर का पता चल जाएगा वो भी तस्वीर के साथ। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आजकल हर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो इसी में बचने के लिए एप्लीकेशन बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट पर लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।